नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दुर्गा फैशन टेलर में। दोस्तों आज मैं आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसे हमने डबल फोल्ड करके उसके बाद इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है। चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारा सिंगल सिलाई वाला प्लाजो है, इसलिए हमें बंद साइड इसे हमें अपनी तरफ रखना है और इसका खुला साइड सामने की तरफ रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 इंच का निशान ऊपर लगाएंगे। ये निशान हम इलास्टिक के लिए लगा रहे हैं। इस निशान को सीधा मिला देंगे। उसके बाद हम इसकी ये 2 इंच के निशान से हमें जितनी हमारी तैयार लंबाई है उतना हमें निशान लगाना है। तैयार लंबाई हमारी 38 है, यहाँ हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा मिला देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का निशान नीचे लगाएंगे। ये हमारा बॉटम का निशान है, जो बॉटम हम नीचे से फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। जितने भी हमारी हिप है उसमें हमें हिप का 4th प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हिप यहाँ 38 है हमारी, 38 का 4th हुआ 9.5। एक निशान यहां लगा देंगे प्लस में 2 इंच 11.5। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमारा हिप के अकॉर्डिंग ही लगेगा। जितने भी हमारी हिप है उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, 9.5 प्लस में 3। ये हमारा हिप का निशान लग गया। अभी मैं इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग वाला है और ये हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसका निशान है। अब जितना हमने हिप ऊपर से हिप का निशान लिया है उतना ही हमें यहाँ नीचे से चौड़ाई लेंगे। अब 2.5 इंच हम आगे करके ये इसकी गोलाई के लिए लेंगे। अब हम नीचे की बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम हमारी 24 इंची है तो इसका हमें आधा करना है, यानी कि 12 इंच। अब हमें इसे इस तरीके से मिला देना। अब ये जो हमने 2.5 इंची का निशान लिया है गोलाई के लिए, इसमें हम गोलाई लगाएंगे। यहां से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से गोलाई देंगे। अब हम यहां से हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारे सिंपल प्लाजो की। अब हम इसे कट कर लेंगे।
ये हमारे सिंपल प्लाजो की कटिंग होगी। अब हम इसकी स्टिचिंग आपको बताएंगे। अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से आसन की एक सिलाई लगा ली। अब हम इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दोनों तरफ आसन में सिलाई लग गई है। ये हमने इसके आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक के लिए सबसे पहले हम यहां से इसकी किनारी फोल्ड करेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक हमारे को इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है। अब हम इसे ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे बीच वाले जॉइंट पे रख के इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये लास्टिक हमारी लग गई है। अब हमें इसके ऊपर दो सिलाई लगानी है। ये लास्टिक हमारी इसमें डल गई है। अब हमें इसमें ऊपर से दो सिलाई लगानी है। इसमें हमें लास्टिक को दोनों तरफ से खींच के रखना है। ये हमारी लास्टिक पूरी लग के तैयार हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें आधा इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा खुला प्लाजो है तो इसमें हमें आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है बस। ये हमने एक पैर की सिलाई लगा दी। अब हमें इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है।
अब हमने इन दोनों पार्टों में सिलाई लगा ली है। अब हमें इस आसन से दोनों को एक दूसरे से अटैच करना है। इस तरीके से यह आसन से आसन हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमारा एक साइड से जो प्लाजो ऊपर को उठता है ना, उससे नहीं उठ इस ये सिलाई लगाने से ऊपर को नहीं उठेगा। अब हम इसका नीचे का हिस्सा फोल्ड करेंगे। अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये हमारी बॉटम की सिलाई लग गई है। ये हमारा सिंपल प्लाजो तैयार हो गया है। मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।